हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अनदर लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आपको पता है बेटा, हम लोग कर रहे हैं पार्ट वन का थर्ड चैप्टर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कल हमने देखा था बेटा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, करेक्ट। उसके बाद अपन ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन किस तरह से लिखते हैं। वी नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद देखा अपन ने इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी देखा है। और क्या देखा था अपन ने, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल इफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट बोथ आर इक्वल, राइट बेटा। ओके, नेक्स्ट थिंग अपन ने ये भी देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा कौन है और छोटा कौन है, कैसे ढूंढते हैं अपन। तो कैसे कंक्लूड किया बेटा अपन ने, कंक्लूजन अपन ने ऐसे किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ही नहीं, जो प्रेजेंट ही नहीं है बेटा, तो उसमें बड़ा कौन और छोटा कौन, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, करेक्ट। ओके, उसके लिए अपन ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़ा छोटा देखने की जरूरत ही नहीं है। ओनली थिंग, अगर वो इक्वल रहते हैं तो, अगर वो इक्वल है तो, राइट। ओके, नाउ वी विल गो फॉर द नेक्स्ट ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज एडिशन, दैट इज एडिशन। नाउ हाउ डू वी एड द टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एड करना बिल्कुल आसान है बेटा, इट इज सिंपल एडिशन। लेकिन किसकी, we add the real part to the real part and the imaginary part to the imaginary part. देखो बेटा, अभी addition है, z1 is the first complex number which is a plus ib and z2 is another complex number which is c plus id. अगर अपने को इनको add करना है z1 plus z2 तो ये कैसे आएगा, a plus ib plus c plus id. तो what are the real parts, a plus c are the real parts and B plus D are the imaginary parts, correct? A plus C, the real part को real part से add किया है अपन ने, और imaginary part को imaginary part से add किया है। Addition कैसे होगी बेटा, I को अपन common लेंगे and we will add B plus D, okay? So the real part of Z1 and Z2 will be real part of Z1 plus real part of Z2 and the imaginary part of Z1 plus Z2 will be the imaginary part of Z1 and the imaginary part of Z2, right friends? Okay, now very good morning Shailesh. तो यहां पर देखो बेटा, addition कैसे करते हैं अपन, addition of two complex number कैसे करते हैं बेटा, whenever we want to add two complex numbers तो अपन क्या करते हैं बेटा, अपन पहले रियल पार्ट को ऐड करते हैं। देखो बेटा, Z1 प्लस Z2 में रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करते हैं बेटा। ओके, अब देखो बेटा, इफ यू हैव टू ऐड 2 + 3i + 4 + 3i तो ये क्या आएगा, हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करते हैं, मतलब कितना आएगा 2 + 4 एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, मतलब इमेजिनरी पार्ट इधर 3 है, इधर भी 3 है, 3 + 3i दैट इज 6 + 6i will be a plus bi, correct? Okay, now the second one अपन देखेंगे खुद सॉल्व करके, -2 + 5i कैसे ऐड करेंगे। देखो बेटा, अपन एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट z1 इज इक्वल टू हाउ मच, -2 + 5i एंड z2 जो है वो है, व्हाट इज z2, z2 इज 7 + 3i, 7 + 3i तो z1 प्लस z2 कितना आएगा, z1 + z2। शैलेश, z अपन डिनोट करते फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, z डिनोट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, z इज इक्वल टू a प्लस bi, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ऐड करके जो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है बेटा, उसको अपन ने एक नाम दे दिया है Z, करेक्ट ना बेटा। टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर अपन ने उसको Z बोल दिया बेटा।
तो जेड वन प्लस जेड टू कितना आएगा बेटा, माइनस टू प्लस फाइव आई प्लस सेवन प्लस थ्री आई। तो क्या करेंगे बेटा, अपन रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करेंगे, माइनस टू प्लस सेवन एंड फाइव आई प्लस थ्री आई, वी कैन टेक आई एज कॉमन ऑल्सो। तो दिस विल बी फाइव प्लस एट आई। इस तरह से अपन जेड वन प्लस जेड टू निकाल सकते हैं बेटा, जेड वन प्लस जेड टू इस तरह से निकाल सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर हाँ तो गिव अ थम्स अप, अगर नहीं तो यू कैन से रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है इसमें एडिशन में, रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से ऐड करना है। इज इट क्लियर? ओके शैलेश। ना अब ये जो प्रॉब्लम था बेटा, उसने z1 प्लस z2 प्लस z3 भी दिया था बेटा, तो अपन उसको भी ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जांपल टू में 6 माइनस 4i भी उसने दिया था, तो z3 जो था वो था 6 माइनस 4i। तो अपन क्या करेंगे, अपने को करना है, अपन इसको पूरा रब करके, एक्चुअली रब नहीं किया होता तो भी चला होता, उसी प्रॉब्लम में z1 प्लस z2 प्लस z3 अगर तीन नंबर का भी एडिशन रहेगा तो भी उसी तरह से करना है अपने को। z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, वी विल ऐड ऑल द रियल पार्ट, माइनस टू प्लस सेवन प्लस सिक्स एंड ऑल द इमेजिनरी पार्ट, फाइव आई प्लस थ्री आई माइनस फोर आई। सो क्या होगा बेटा, इट विल बी सेवन एंड सिक्स थर्टीन, माइनस टू इज इलेवन एंड एट माइनस फोर इज फोर आई। So the addition of the three complex numbers z1, z2 and z3 will be 11 plus 3i. I'm sorry, 11 plus 4i. Right? Have you understood this? Okay. अब जो subtraction है बेटा वो भी इसी तरह से है, subtraction भी इसी तरह से, real part को real part में से subtract करो। तो देखो बेटा 7 प्लस थ्री आई माइनस सिक्स माइनस फोर आई, अगर ये z1 माइनस z2 करना है, z1 इज दिस वन एंड z2 इज दिस वन। ओके बेटा, ओके शैलेश। तो फिर z1 माइनस z2 कितना मिलता है देखो बेटा अपने को, दिस विल बी 7 प्लस थ्री आई। सबसे पहले जब भी अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा, आप क्या करो पता है क्या, आप ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, ये ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई करो बेटा, नहीं तो फिर क्या होता बेटा, आई टेल यू द मिस्टेक व्हाट हैपेंस। अभी ये होगा माइनस सिक्स, माइनस ऑफ माइनस प्लस फोर आई। अगर अपन ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं करते बेटा तो ये माइनस फोर आई को माइनस साइन देना अपन कई बार भूल जाते बेटा, मोस्ट ऑफ अस बोल रहा हूं बेटा, मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूं, माइनस साइन दूसरे नंबर को देना भूल जाते हैं बेटा अपन। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अपने को क्या करना है बेटा, ये ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना, मतलब अपने को याद रहता है माइनस ऑफ माइनस प्लस होता है, देन वी कैन डू इट, सेवन माइनस सिक्स इज वन एंड सेवन आई, दिस विल बी जेड वन माइनस जेड टू। ओके बेटा, सो दीज आर द मेथड्स टू एड एंड सब्ट्रैक्ट द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं बेटा। ओके, अगर मैंने z2 माइनस z1 लिया बेटा, z2 माइनस z1 तो उल्टा लिखेंगे अपन, 6 माइनस 4i माइनस 7 प्लस 3i, तो ये कितना है बेटा, 6 माइनस 4i विल सिंप्लीफाई द ब्रैकेट सो दैट इट बिकम्स इजी, सो z2 माइनस z1 माइनस 1 माइनस 7i माइनस 1 माइनस 7i। तो देखो बेटा z2 माइनस z1 एंड z1 माइनस z2 ये सेम नहीं है, ये आपने को पहले भी पता है, a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, सेम तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी दोनों इक्वल नहीं रहते भैया। ओके ओके, वन वेरी सिंपल थिंग इज z1 माइनस z2, उसका निगेशन आता है z2 माइनस z1, राइट? ओके, नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एडिशन। नाउ प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज पहले तो ये है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन, वी कॉल दिस एज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ये एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज
सेटिस्फाई, एडिशन डस सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब अगर तीन नंबर रहेंगे जेड वन जेड टू जेड थ्री, तो अपन पहले किसी को भी दो को ऐड कर सकते हैं, जेड वन जेड टू प्लस जेड थ्री, ये ब्रैकेट के बजाय अपन जेड वन प्लस जेड टू और जेड थ्री लिया, या ब्रैकेट ही नहीं लिया, दे आर ऑल इक्वल, तो इट इज ऑल्सो असोसिएटिव, इट इज ऑल्सो असोसिएटिव। नाउ जेड वन प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस जेड वन इज इक्वल टू जेड वन, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर अपन ने जीरो ऐड किया, वी गेट द सेम नंबर, वी गेट द सेम नंबर। एंड नाउ दिस वन आर इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्टकट, जेड प्लस जेड बार। अब ये जेड बार क्या है बेटा, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जेड बार क्या है, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड, जो अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था बेटा। तो दैट इज ऑलवेज टू टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, इट इज रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर आपको ये याद रहता है बेटा तो शॉर्टकट में आप फटाक से सॉल्व कर सकते हो, अगर भूल गए तो अपना नॉर्मल एडिशन करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर। ओके बेटा, एंड जेड वन प्लस जेड टू का जो कॉन्जुगेट है, इफ यू ट्राई टू फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, इट इज सेम एज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन एंड द कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू। आई विल जस्ट शो यू द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, द लास्ट प्रॉपर्टी, जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट इज सेम एज द कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन प्लस द कॉन्जुगेट ऑफ जेड टू। तो देखो बेटा अभी यहां पर, नाउ सपोज जेड वन है फाइव माइनस टू आई एंड जेड टू जो है सिक्स प्लस टू आई, राइट बेटा। अपने को क्या चाहिए, जेड वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट, इसका मतलब इसमें क्या करेंगे बेटा, अपन इसमें पहले जेड वन प्लस जेड टू लेंगे, बाद में उसका कॉन्जुगेट लेंगे, करेक्ट। ओके, तो फिर यह आएगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, मतलब 5 माइनस टू आई प्लस सिक्स प्लस टू आई, करेक्ट। या तो फिर अपन क्या लिखेंगे उसको, z1 वन प्लस जेड टू लिखेंगे, फिर कॉन्जुगेट लिखने की जरूरत नहीं आएगी। तो z1 वन प्लस जेड टू कितना आएगा बेटा, 11 एंड माइनस टू आई प्लस टू आई विल गेट कैंसल, अपन इसको 2i के बजाय 3i करेंगे बेटा, 2i के बजाय 3i करेंगे, सो दैट इट डजंट कंफ्यूज। ये कितना आएगा, 11 प्लस आई, 11 प्लस आई। फिर अभी इधर z1 वन प्लस जेड टू का कॉन्जुगेट क्या आएगा, द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज 11 माइनस आई। आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे ढूंढते बेटा, अपन वी ओनली चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट। ओके, अब राइट हैंड साइड में क्या है बेटा, z1 वन कॉन्जुगेट प्लस z2 टू कॉन्जुगेट, z1 का कॉन्जुगेट क्या है, 5 प्लस टू आई, राइट, और z2 का क्या है बेटा, 6 माइनस 3i। अगर अपन ने ऐड करेंगे z1 वन कॉन्जुगेट प्लस z2 टू कॉन्जुगेट, ये कितना आएगा, 11 माइनस i। देखो बेटा ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब है z1 वन प्लस z2 का जो कॉन्जुगेट है, दैट इज कॉन्जुगेट ऑफ z1 वन प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2। ओके बेटा, राइट। ओके, अब मुझे बोलो इज इट क्लियर, बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये क्लियर है बेटा तो अपन आगे जाएंगे। मैं रुका हुआ हूं। ओके शैलेश, गुड, थैंक यू। इस तरह से रिस्पॉन्स करो बेटा ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, नहीं आया बेटा तो आप बिंदास कमेंट कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आया तो। ओके बेटा, अब जो देखना है अपने को, दैट इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन है कि अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, लेट इट बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन अगर अपन उसको किसी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर अपन ने z इज इक्वल टू सेवन प्लस थ्री आया है और अगर 5z अगर अपन ने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 5z, तो अपन क्या करेंगे बेटा, 5 मल्टीप्लाइड बाय द एंटायर कॉम्प्लेक्स नंबर। z क्या है बेटा, 7 प्लस 3 है, मतलब ये 5 किसको मल्टीप्लाई होगा बेटा, दोनों को भी, रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को भी। सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी देखा है बेटा अपन ने, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन दैट डिटेल। सब्ट्रैक्शन अपना अच्छी तरह से हो गया है, अब थोड़ा सा इसका क्या करेंगे बेटा, एग्जाम्पल देखेंगे सब्ट्रैक्शन का। z1 इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री आई, z2 इज इक्वल टू टू प्लस
आई, तो जेड वन माइनस जेड टू कितना आएगा बेटा, फोर प्लस थ्री आई माइनस टू प्लस आई। अब इसने ब्रैकेट सॉल्व नहीं किया बेटा, मैंने आपको बोला है प्लीज सॉल्व द ब्रैकेट, फाइव फोर माइनस टू आएगा और थ्री आई माइनस आई आ जाएगा, दैट इज टू प्लस टू आई। इस तरीके से अपन सब्ट्रैक्शन करते हैं बेटा। सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है ना बेटा, ये थोड़ा सा अपने लिए काफी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काम को आएगा बेटा। जेड वन इज सेवन प्लस आई, एग्जाम्पल नंबर टू, जेड वन इज इक्वल टू सेवन प्लस आई, जेड टू इज इक्वल टू फोर आई, एंड जेड थ्री जो है इज इक्वल टू जेड थ्री माइनस थ्री प्लस टू आई, माइनस थ्री प्लस टू आई, ये वैल्यूज दिए। और उसने बोला है ये आप भी लिखो हाँ बेटा, टू जेड वन माइनस ब्रैकेट के अंदर फाइव जेड टू प्लस टू जेड थ्री, फाइव जेड टू प्लस टू जेड थ्री, राइट बेटा। ओके, फिर अपन क्या करेंगे, पहले तो टू जेड वन की वैल्यू फाइंड करेंगे, टू इंटू जेड वन मतलब सेवन प्लस आई माइनस सेवन ब्रैकेट फाइव इंटू क्या है बेटा जेड टू। अब जेड टू कितना है इधर, फोर आई प्लस टू इंटू जेड थ्री कितना है बेटा, ये माइनस थ्री प्लस टू आई। ओके बेटा, राइट, गो स्टेप वाइज, कोई भी घाई गड़बड़ करो मत, कोई भी स्टेप स्किप करने की कोशिश करो मत, थोड़ी सी गड़बड़ है ना बेटा पूरा का पूरा अपना आंसर गलत कर सकती है बेटा, जैसे आपने देखा है कई बार अपने हाथ से मिस्टेक हो जाती है। कितना आएगा बेटा ये 14 प्लस 2 आई, 2 इंटू सेवन 14, 2 इंटू आई आई माइनस, ये ब्रैकेट मैंने अभी तक यस सिंप्लीफाई नहीं किया है, 5 फोर जार 20 आई आएगा, ये कितना आएगा बेटा 2 इंटू थ्री 6 प्लस इंटू माइनस इज माइनस 6, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 आई, राइट। ओके, तो ये आएगा देखो 14 प्लस 2 आई, नाउ वी कैन सिंप्लीफाई द ब्रैकेट, माइनस ट्वेंटी आई प्लस सिक्स, माइनस तीनों को देना है बेटा माइनस फोर आई। अब देखो बेटा यहां पर रियल पार्ट 14 एंड 6 मतलब 20, इमेजिनरी पार्ट 2 आई माइनस 20 आई कितना माइनस 18 आई, माइनस फोर मतलब माइनस 22 आई। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, कितना 2z1 माइनस ब्रैकेट में 5z2 प्लस 2z3 इज इक्वल टू 20 माइनस 22 आई। आई होप इट इज क्लियर, आप ये इतना लिख के लो बेटा, अगर नहीं समझा तो यू कैन कमेंट, आई विल गिव यू 1 मिनट, अगर आपने 1 मिनट में कोई कमेंट नहीं दिया तो अपन आगे जाएंगे बेटा, क्योंकि फिर मैं ये समझ लूंगा कि आपको ये समझ में आ गया है, राइट। ओके, चलो राइट इट डाउन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके शैलेश, गुड, थैंक यू। एग्जाम्पल नंबर टू जो है वो अपन ने अभी सॉल्व किया था। ओके, नाउ वी गो ऑन टू द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट फ्रेंड्स। अब इसको कैसे देखेंगे बेटा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स,
बिल्कुल सीधा साधा है बेटा, जैसे अपन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, दो ब्रैकेट का, उसी तरह से करता है करना है अपने को। देखो बेटा, अगर पहला है a प्लस बी आई एंड इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डी आई, तो अपन नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन कैसे करते बेटा? पहले नंबर वी मल्टीप्लाई बाय द एंटायर सेकेंड ब्रैकेट c प्लस डी आई, और फिर दूसरा नंबर लेते हैं अपन एंड मल्टीप्लाई इट बाय द सेकेंड ब्रैकेट। ये बराबर है कि नहीं बेटा? इज इट राइट और नो? बेसिकली अपन मल्टीप्लीकेशन इस तरह से करते हैं बेटा। आप बोलो सही है कि गलत है? जस्ट गिव मी यस और नो। आई होप इट इज क्लियर। यस, तो ये कितना आएगा बेटा? ए मल्टीप्लाइड बाई सी, फिर क्या आएगा बेटा? ये ए इंटू डी मल्टीप्लाइड बाई आई। ऑलरेडी स्केलर मल्टीप्लीकेशन अपन ने देख लिया है। अब इधर देखो बेटा, बी सी आई, बी सी मल्टीप्लाइड बाई आई एंड बी डी मल्टीप्लाइड बाई आई स्क्वायर। देयरफॉर लिखना ना भूलना, ये क्या है बेटा? Z1 multiplied by Z2, where this is Z1 and this one is Z2. Okay, बेटा? Okay. Now what we do? देखो बेटा, I square की value अपने को पता है, बाकी तो कुछ नहीं है। तो AC plus, अभी यहां पर I common लेंगे बेटा, AD plus BC प्लस बी डी, एंड वॉट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? कल देखा था बेटा अपन ने, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आप मुझे बताओगे प्लीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर? कान्हा यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, आई स्क्वायर की वैल्यू अपन ने देखी थी माइनस वन, शैलेश ने भी दिया है माइनस वन, बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ये कल अपन ने देखा। मतलब ये कितना आएगा बेटा? ए सी प्लस आई, ए डी प्लस बी सी, और ये कितना आएगा बेटा? माइनस बी डी, प्लस इंटू माइनस माइनस। तो देखो बेटा, Z1 इंटू Z2, ये हमेशा क्या आता है बेटा? पहले रियल पार्ट, रियल पार्ट कौन सा आएगा बेटा? ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी विल बी द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट विल बी ए डी प्लस बी सी इंटू आई। आप अगर ये याद नहीं भी रखते हो ना बेटा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन करेंगे बेटा इसके बाद। ओके ओके, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बताया बेटा कि हाउ डज दिस फॉर्मूला कम इनटू एग्जिस्टेंस। लेकिन अपन जो है ना, इसको नहीं करेंगे, अपन क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको नोट डाउन करो बेटा, लिख के लो, देन वी कैन गो टू सॉल्व सम ऑफ द एग्जाम्पल। ओके शैलेश, नाउ लेट अस सी द एग्जांपल बेस्ड ऑन दिस। Z1 दिया है उसने 2 प्लस 3 आए एंड Z2 दिया है 3 माइनस 2 आए। ओके, Z1 इज 2 प्लस 3 आए एग्जांपल, Z1 2 प्लस 3 आए एंड Z2 दिया है उसने 3 माइनस 2 आए, ठीक है ना? ओके, ओके, तो अभी अपने को चाहिए Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2, ये कितना आएगा? 2 प्लस 3 आए, 3 माइनस 2 आए। आई एम गोइंग टू यू नॉट गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट अपना सिंपल मल्टीप्लीकेशन करूंगा बेटा। कैसे आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3
माइनस टू इंटू टू आए प्लस इंटू माइनस माइनस होगा बेटा, उसके बाद थ्री आए, थ्री इंटू थ्री आए माइनस थ्री आए इंटू टू आए। देखो बेटा पहले पहले क्या किया मैंने, मैं एकदम फेंट इससे बताता हूँ बेटा, मैं पहले टू इंटू थ्री जैसे ब्रैकेट बताना है वैसे ब्रैकेट भी बता सकते अपन, टू इंटू माइनस थ्री आए, उसके बाद थ्री आई इंटू थ्री एंड थ्री आई इंटू टू आए, इस तरह से किया है बेटा अपन ने, करेक्ट। कैन यू सी दोज येलो मार्किंग्स जो मैंने किए हैं, जानबूझ के मैंने उसको बहुत ही लाइट किया है। ओके बेटा नहीं दिख रहा है तो आई विल मेक इट अ लिटिल बिट डार्कर। टू को पहले थ्री से मल्टीप्लाई किया बेटा और टू को टू आई से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद थ्री आई को थ्री से किया और थ्री आई को टू आई से किया, करेक्ट। ओके नाउ दिस विल बी सिक्स माइनस फोर आई प्लस नाइन आई माइनस सिक्स आई स्क्वायर, सिक्स माइनस फोर आई प्लस नाइन आई प्लस फाइव आई, एंड ये माइनस सिक्स आई स्क्वायर की वैल्यू आपने ही बताइए बेटा माइनस वन, तो ये कितना होगा बेटा माइनस ऑफ माइनस प्लस सिक्स हो जाएगा, ये आएगा सिक्स प्लस सिक्स प्लस फाइव आई, सो जेड वन इंटू जेड टू विल बी सिक्स प्लस सिक्स प्लस फाइव आई, तो योर फाइनल आंसर जेड वन इंटू जेड टू विल बी ट्वेल्व प्लस फाइव आई। फटाक से इसको लिखो और फिर मुझे बोलो कि इसमें कोई इश्यू है क्या। ओके नाउ एज वी कंप्लीट द सेकेंड एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, विल जस्ट गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। इफ जेड वन जेड टू जेड थ्री आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन जेड वन इंटू जेड टू विल बी वॉट जेड टू इंटू जेड वन, उल्टा भी अपने को पता है बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो फॉलोज द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सो वॉट इज दिस, दिस इज कॉम्यू and z1 dot z2 dot z3 will be z1 dot z2 z3, this is the associative property। तो देखो बेटा ये जो commutative property है और जो associative property है they are followed by both addition and multiplication, okay। subtraction and division जो है ना बेटा they do not follow the commutative and the associative property, ये आप हमेशा याद रखो बेटा, subtraction and division do not follow the associative property or the commutative property, addition and multiplication yes they do follow, they do follow, ठीक है ना। ओके सो दूसरी जो प्रॉपर्टी है, इफ यू मल्टीप्लाई एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बाय वन वी गेट द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड वन इन डॉट वन इज इक्वल टू वन डॉट जेड वन इज इक्वल टू जेड वन, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वन से मल्टीप्लाई करो वी आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। नाउ द फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, वेरी गुड, जेड डॉट जेड कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, कभी कभी मैं कॉम्प्लीमेंट बोलता हूं बेटा गलती से, क्योंकि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो अपन ने सेट थ्योरी में देखा था बेटा, तो इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट इट इज कॉन्जुगेट, तो जब भी अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं बेटा अगर मैं गलती से कॉम्प्लीमेंट बोल भी दूं तो आप समझ लो कि मैं कॉन्जुगेट की बात कर रहा हूं, आई एम सॉरी, मैं भी कोशिश करता हूं बेटा टू यूज द करेक्ट नेम। ओके तो जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो बेटा वी विल प्रूव, नाउ सपोज द जेड इज ए प्लस बी आई, आप मुझे ये बताओ बेटा z कॉम्प्लीमेंट लिखा है मैंने, z कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा बेटा, z कॉम्प्लीमेंट आएगा a माइनस बी आई, करेक्ट। ओके अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं z डॉट z कॉम्प्लीमेंट तो ये क्या आएगा a प्लस बी आई डॉट
a माइनस बी आई, राइट? ओके, तो अभी देखो बेटा ये डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी ए माइनस बी, अपने को पता है बेटा a प्लस बी ए माइनस बी क्या आता है बेटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या आता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी अपन ने नाइन्थ स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, राइट ना बेटा, आई थिंक एट स्टैंडर्ड से, थोड़ा सा मैं भी गलत हो गया हूँ, वी हैव स्टार्टेड टू स्टडी इट राइट फ्रॉम द एट स्टैंडर्ड। तो ये कितना आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी आई का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी बेटा माइनस वन, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू माइनस वन, तो क्या आएगा बेटा जेड वन डॉट, ये कॉन्जुगेट में उल्टा ही लिखता हूं हमेशा पता नहीं क्यों, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो बेटा इसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, इसके लिए डायरेक्टली जेड डॉट जेड कॉन्जुगेट, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऑलवेज अ रियल नंबर, ओके बेटा। अगर आप ये प्रॉपर्टी भूल गए बेटा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करते हो, कैसे करेंगे बेटा, a को a के साथ मतलब ए स्क्वायर, फिर माइनस ए बी आई, करेक्ट ना बेटा, माइनस ए बी आई, उसके बाद ये आता है प्लस ए बी आई, और उसके बाद आता है माइनस b इंटू बी बी स्क्वायर आई इंटू आई आई स्क्वायर, अब माइनस ए बी आई प्लस ए बी आई क्या हो जाता है बेटा कैंसल, ये आएगा ए स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, वी गेट द सेम आंसर। तो अगर आप प्रॉपर्टी भूल भी गए तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ जेड एंड जेड कॉम्प्लीमेंट का प्रोडक्ट, लेकिन ये प्रॉपर्टी भूलना नहीं बेटा, इट रियली हेल्प्स अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी क्विकली, वेरी वेरी क्विकली, राइट फ्रेंड्स? ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर के z डॉट z कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, और वैल्यू कितनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी इज z1 वन डॉट z2, उसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 वन कॉन्जुगेट इंटू z2 टू कॉन्जुगेट। अब जैसे अपन ने एडिशन को ये बताया था ना बेटा, जेड वन प्लस जेड टू कॉन्जुगेट इज इक्वल टू जेड वन कॉन्जुगेट प्लस जेड टू कॉन्जुगेट, अपन ने ये प्रूव किया था, उसी तरह से ये भी प्रूव करना है, तो मैं आप पर छोड़ता हूं बेटा टू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी एज अ होमवर्क, यू वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी, कैसे करना है आपको पता है, पहले आप जेड वन डॉट जेड टू करोगे, उसका कॉन्जुगेट लोगे, उसके बाद z1 का कॉन्जुगेट लोगे, z2 का कॉन्जुगेट लोगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, दिस इज हाउ यू विल वेरीफाई एंड 100% यू आर गोइंग टू गेट द सेम यस रिजल्ट। नाउ लेट्स नोट इफ z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, देन z डॉट z कॉम्प्लीमेंट अभी अभी अपन निकाला है, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ वी हैव टू सी द पावर्स ऑफ i, क्या देखना है बेटा अपने को, पावर्स ऑफ i। अब वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक द पावर्स ऑफ i, तो मुझे क्या लगता है बेटा ये सीखने से पहले अपन कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके लेंगे बेटा, उसके बाद डिवीजन वगैरह देख के लेंगे, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। अब ये तो अपना हो चुका था बेटा, विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी where a and b are real numbers, they belong to R, मतलब they belong to real number, what is the value of i, it is the square root of minus 1, already ये आपने को पता है, from that we have to find the values of a and b, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं अभी आपको बताता हूँ, only सिर्फ product के ही करेंगे बेटा अपन, first and the sixth one, बाकी सब division है बेटा, उसको अपन 2 मिनट के बाद देखेंगे, division को अपन 2 मिनट के बाद देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोडक्ट, 1 प्लस 2 आई माइनस 2 प्लस आई, दिस
वन प्लस टू आई माइनस टू प्लस आई, वन प्लस टू आई माइनस टू प्लस आई, दिस इज द फर्स्ट ऑफ सेकेंड एक्सरसाइज नंबर 3.1, एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। तो ये प्रोडक्ट अपने को पता है बेटा कैसे करते हैं, जेड वन डॉट जेड टू बोलेंगे अपन, दिस इज आवर जेड वन दिस इज आवर जेड टू, नहीं दिया है उसने क्वेश्चन में कोई टेंशन नहीं है, नहीं लिखा जेड वन जेड टू तो भी चलेगा। तो अभी इसका प्रोडक्ट पता है बेटा, वन इंटू माइनस टू, वन मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय आई, पहले क्या किया बेटा अपन ने वन को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया है, अब टू आई से करेंगे अपन, प्लस टू आई इंटू माइनस टू एंड प्लस टू आई इंटू आई, करेक्ट ओके, ये आएगा माइनस टू प्लस आई माइनस फोर आई प्लस टू आई स्क्वायर। ये देखो बेटा माइनस टू आई माइनस फोर आई को मैं डायरेक्टली माइनस थ्री आई लिखता हूं बेटा, प्लस टू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस वन, आई स्क्वायर की वैल्यू है माइनस वन, तो जेड वन डॉट जेड टू ये कितना आएगा माइनस टू माइनस थ्री आई माइनस टू, जेड वन डॉट जेड टू कितना माइनस फोर माइनस थ्री आई है ना बेटा, ये जेड वन डॉट जेड टू का अपन जेड दे लेंगे माइनस फोर माइनस थ्री आई, दिस इज इन द फॉर्म ए प्लस बी आई, ए प्लस बी आई करेक्ट। अब कंपेयर करेंगे बेटा, कंपेयरिंग द टू क्या मिलता है बेटा a इज इक्वल टू माइनस फोर, कंपेयरिंग किसको करेंगे बेटा अपन, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, इनको अगर अपन कंपेयर करेंगे बेटा तो वी गेट a इज इक्वल टू माइनस फोर एंड b इज इक्वल टू माइनस थ्री। ओके बेटा अब बोलो मुझे इज इट क्लियर और नो, इज इट क्लियर और नो, ओके काना, काना आपका नाम काना ही है, इट इज जस्ट फॉर द सेक, यस ओके काना, वेरी नाइस नेम बेटा, आई रियली लाइक इट, यस बहुत अच्छा नाम है बेटा, तो आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज रियली अ वेरी गुड नेम। ओके नाउ द सिक्स्थ वन इज टू प्लस थ्री आई एंड टू माइनस थ्री आई, टू प्लस थ्री आई एंड टू माइनस थ्री आई, नाउ व्हाट वी कैन सी हियर दैट दिस टू नंबर्स आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर, दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ Each other, तो conjugates का अपने को product भी पता है a square plus b square, लेकिन अगर भूल गए तो directly अपन क्या करेंगे, we will do the multiplication, z1 dot z2 कितना है बेटा 2 into 2 a plus b a minus b c भी करेंगे बेटा अपन, yes a plus b a minus b c करेंगे बेटा अभी, तो it is a square minus b square, तो कितना है का 4 minus 9i square, 4 माइनस 9 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 9, 4 प्लस 9 इसका मतलब है जेड वन डॉट जेड टू कितना आएगा बेटा 13, और अपने को पहले भी पता था बेटा कि ये क्या था बेटा जेड वन डॉट जेड टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 दैट इज 13, ये आना ही था ओके लेकिन ये ज्यादा इजी है बेटा क्योंकि अपने को इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड फॉर एनी कंफ्यूजन, आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर द सिक्स्थ क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज हाउ डू वी डू द डिविजन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, द डिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ही अपन सॉरी जैसे ही अपन ये डिविजन शुरू करते हैं बेटा
मैं एक बार वापस आपसे वही अपना पुराना सवाल दोहराता हूं बेटा, इज एवरीथिंग क्लियर टिल दिस पॉइंट? सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर है क्या बेटा? एक भी पॉइंट में छोटा सा भी डाउट है बेटा तो भी आप पूछ सकते हो बेटा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पीछे का कैसे पूछूं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा, यू कैन आस्क। ओके काना, ओके एक्स वाई जेड। यार आप लोग जो है ना ये नाम आपके लिखते हो, कोई इनविंसिबल लिखता है, कोई एक्स वाई जेड लिखता है ना बेटा, प्लीज यार उसके सामने आपका नाम भी बोलो। अभी जैसे मुझे कान्हा का भी कंफ्यूजन था, लेकिन बाद में पता चला कि कान्हा का नाम कान्हा है, वेरी गुड नेम अगेन। तो आप भी प्लीज अपने अपने नाम बताओ यार, एक्स वाई जेड, इनविंसिबल, जो भी आता है यहाँ पर चैट पर नाम पर, है ना, सो दैट आई नो कि मैं किसके साथ बात कर रहा हूं। आपके चेहरे तो मुझे पता नहीं होंगे, लेकिन कम से कम आपके नाम तो पता होंगे बेटा, राइट? ओके, तो प्लीज अगर हो सके तो अपना अपना नाम लिखो बेटा। और जिनका नाम ऐसा ही है, जैसे मैं शैलेश को बुलाता हूँ हमेशा, काना को बुलाता हूँ, अगर वही नाम से है तो फिर नो प्रॉब्लम, देन आई नो योर नेम्स। ओके बेटा, डिवीजन कैसे करते हैं बेटा? अगर जेड वाले ए प्लस आई बी, ओके एक्स वाई जेड, समर्थ? ओके समर्थ, वेलकम समर्थ। ए प्लस आई बी जेड है, सी प्लस आई डी बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो जेड वन अपॉन जेड टू क्या होगा बेटा? डिवीजन ए प्लस बी आई एंड ए माइनस बी आई। ओके ना, अगर ये डिवीजन अपने को करना है बेटा तो अपन क्या करते बेटा, हम लोग मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। आपको याद होगा बेटा इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड हम लोग कर रहे थे, क्या करते बेटा, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, वही चीज अपने को यहां पर करना है बेटा, टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और रैशनलाइज कैसे करते बेटा, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, राइट? ओके, सो देखो बेटा एक सॉल्ड एग्जाम्पल देखेंगे अपन, जेड वन इज थ्री प्लस टू आई, एंड जेड टू इज हाउ मच, वन प्लस आई, एंड ही हैज आस्क्ड अस टू फाइंड जेड वन अपॉन जेड टू, डिवाइड करने के लिए बोला है बेटा, तो अपन करेंगे डिवाइड, थ्री प्लस टू आई अपॉन वन प्लस आई। तो ये डिवीजन अपन कैसे करते हैं बेटा, वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर एंड द न्यूमरेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर। मतलब देखो बेटा, यहां पर वन प्लस आई है, वन प्लस आई का कॉन्जुगेट आपको पता है बेटा, इट इज वन माइनस आई, करेक्ट? और वन माइनस आई से अगर अपन डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा बाय द सेम ब्रैकेट, ये याद है ना बेटा आपको, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलते बेटा अपन इसको, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, करेक्ट बेटा? ओके, सो दिस विल बी जेड वन अपॉन जेड टू, कितना आएगा बेटा, वन प्लस आई वन माइनस आई, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब क्या था बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये आएगा वन का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ऊपर विल मल्टीप्लाई, थ्री इंटू वन इज थ्री, पूरा मल्टीप्लीकेशन बता देंगे बेटा अपन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थ्री इंटू माइनस आई प्लस टू आई इंटू वन माइनस टू आई इंटू आई, टू आई इंटू आई, इज इट राइट फ्रेंड्स? ओके, तो अभी ये जेड वन अपॉन जेड टू, थ्री माइनस थ्री आई प्लस टू आई माइनस टू आई स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन माइनस आई स्क्वायर, कितना है बेटा माइनस वन, करेक्ट? ओके,
तो जेड वन अपॉन जेड टू, थ्री माइनस थ्री आई प्लस टू आई कितना होगा बेटा माइनस आई, माइनस टू आई स्क्वायर की वैल्यू पता है अपने को माइनस वन है, अपॉन वन प्लस वन, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, सो दिस विल बी जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू थ्री माइनस आई प्लस टू अपॉन टू, सो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर, जेड वन अपॉन जेड टू, थ्री प्लस टू फाइव होता है शायद, हमारे जमाने में बेटा थ्री प्लस टू फाइव होता था, आपके जमाने में क्या होता है ये आपको पता, फाइव माइनस आई अपॉन टू। अब क्वेश्चन ऐसा आता है बेटा कि राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई, वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई, तो कैसे लिखेंगे देखो बेटा इसको, हम लोग इनको सेपरेट करेंगे, जेड वन अपॉन जेड टू, ये टू किसकी प्रॉपर्टी बेटा दोनों की है, तो अपन क्या करेंगे उसको फाइव बाय टू माइनस वन बाय टू आई, क्या किया बेटा ये जो डिनोमिनेटर टू था दोनों को सेपरेटली अपन ने दे दिया, करेक्ट ओके, ना इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ए प्लस बी आई, ए कितना आएगा बेटा ए विल बी फाइव बाई टू एंड बी विल बी माइनस वन बाई टू, ओके सो ये क्या आएगा बेटा जेड वन अपॉन जेड टू इज इक्वल टू फाइव बाई टू माइनस वन बाई टू आई, वी हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई, और अगर वो ये भी पूछता है कि ए और बी के वैल्यूज फाइंड करो तो अपन इस तरह से उसको वैल्यूज दे सकते बेटा, राइट अब बोलो बेटा इज एवरीथिंग क्लियर, डिवीजन भी आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया मुझे बोलो अपन पहले से करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का, मैं रुका हूं बेटा, यस काना सेज यस, शैलेश ऑल्सो सेज यस, थैंक यू बेटा, इस तरह से अगर आप रिस्पॉन्ड करते हो ना बेटा तो हमें भी मजा आता है बेटा और हमें समझ में भी आता है, इवन समर्थ हैज सेड यस, यस बेटा दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, आपका रिस्पॉन्स, आपको समझ में आया तो यस yes, आपको नहीं समझ में आया तो नो, दोनों तरीके के रिस्पॉन्स के हम लोग भूखे हैं बेटा, अगर नहीं समझ में आया तो बिंदास नहीं बोलने का, अगर समझ में आया तो बिंदास यस बोलने का, कोई टेंशन नहीं लेने का, राइट ना बेटा ओके, आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, आई विल जस्ट गिव यू सम मोर टाइम, ज्यादा नहीं थोड़ा सा टाइम मैं और दूंगा आपको ताकि फिर अपन आगे जा सके, यस समर्थ थोड़ा सा ऊपर से बताता हूं बेटा मैं ईच एंड एवरी स्टेप, अपन ने क्या किया बेटा, अपन ने क्या किया है जेड वन जेड टू लिखा है, अगर उसका डिवीजन करना है तो अपन ने पहले तो ये नहीं लिखा था, अपन ने वन प्लस आई नहीं था, ये अपन ने बाद में लिखा हुआ है, राइट ओके, तो अभी इधर क्या आएगा बेटा थ्री प्लस टू आए एंड वन प्लस आई, इतना ही था अपने क्वेश्चन में, तो फर्स्ट स्टेप इज अपन उसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब वन माइनस आई से अपन इसको मल्टीप्लाई भी करते और डिवाइड भी करते, राइट फ्रेंड्स ओके, तो अभी देखो अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को, तो थ्री मल्टीप्लाइड बाय वन, थ्री मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई, टू आई इंटू वन एंड टू आई इंटू माइनस आई, नीचे क्या है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आएगा वन का स्क्वायर वन, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, बीच में माइनस साइन फिक्स्ड है बेटा, बिकॉज अपने को पता है बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी जो है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके अब आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर दी बेटा अपन ने, यहां पर ऊपर क्या किया बेटा थ्री माइनस थ्री आई, ये ब्रैकेट अपन ने सिंप्लीफाई किया, प्लस टू आई माइनस टू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू पता है अपने को माइनस वन है, अपन ने यहां पर सब्स्टिट्यूट भी कर दिया, थ्री माइनस आई माइनस टू इंटू माइनस वन, तो ये कितना था बेटा थ्री प्लस टू इज फाइव, माइनस आई अपॉन टू,
उनको अपन ने सेपरेटली लिख दिया बेटा, 5 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 i, तो वी हैव टू ब्रिंग दिस इन दिस फॉर्म, दिस इज अवर फर्स्ट रिक्वायरमेंट, वी हैव टू ब्रिंग इट इन द फॉर्म a प्लस बी आई, वो फॉर्म में अपन ने लेके आ गए है बेटा, यहां तक करना है बेटा आपको, यहां पर नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है उसने ब्रिंग इन द फॉर्म a प्लस बी आई, राइट। अब क्या करते हैं बेटा, उसने ये भी बोला है कि a और b की वैल्यूज फाइंड करो, तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करते हैं बेटा, रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट, a विल बी 5 बाय 2, b विल बी माइनस 1 बाय 2, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करते हैं, राइट फ्रेंड्स। ओके, नाउ वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो अपन एक्सरसाइज का प्रॉब्लम देखेंगे बेटा, द नेक्स्ट वन ऑफ आवर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का अपन ने फर्स्ट और सिक्स किया है बेटा, सेकंड वाला अपन ने नहीं किया था, अभी अपन वो करके लेंगे, राइट। द सेकंड वन, i इंटू 4 प्लस 3i, i इंटू 4 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 1 माइनस i। देखो बेटा यहां पर दिया, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस बी आई, मैं जो बोल रहा था ना बेटा, क्वेश्चन इस प्रकार से देते हो, एंड स्ट्रेट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, इस तरह से अपन ने इतना पूरा किया था। नीचे क्या है बेटा, 1 माइनस i, इन सच प्रॉब्लम्स अपने को न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई करना है बेटा, न्यूमरेटर को पहले सिंप्लीफाई करना है, तो कैसे आएगा देखो बेटा, दिस विल बी इक्वल टू, I को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलता है 4i प्लस 3i इंटू i, शायद i स्क्वायर होता है 1 माइनस i, वी कैन गिव द नेम एज z, उसको z बोल देंगे बेटा, क्या प्रॉब्लम है अपने को देने को। तो दिस विल बी z इज इक्वल टू, z इज इक्वल टू 4i माइनस 3, अब मैं डायरेक्टली माइनस 3 लिखा है, क्यों, बिकॉज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ आई स्क्वायर इज माइनस 1, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 1 है ना, ओके, अगर वो माइनस 1 है तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 4i माइनस 3 अपॉन 1 माइनस i, इसको अपन अगर a प्लस बी आई जैसे लिखे तो पहले रियल पार्ट माइनस 3 बाद में इमेजिनरी पार्ट, नहीं किया ये स्टेप तो भी चलता है, लेकिन टू अवॉइड कंफ्यूजन मैंने कर दिया है बेटा, जस्ट टू अवॉइड द कंफ्यूजन, और नीचे कितना है बेटा, 1 माइनस i, राइट, ओके, तो z विल बी माइनस 3 प्लस 4i 1 माइनस i। अब ये डिवीजन कैसे करते बेटा, अपन कैसे करते, बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर, मतलब किससे करेंगे आप, 1 प्लस i करेंगे कि नहीं, सही है कि नहीं बेटा, हाँ बेटा कभी कभी मैं भी सही रहता हूं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ओके 1 प्लस i, राइट बेटा, ओके, तो ये जो चीज है ना बेटा, z इज इक्वल टू, अभी इसका मल्टीप्लीकेशन अपने को पता है जैसे करना है, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, अब माइनस 3 इंटू i माइनस 3 i हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, हाँ मैंने बोला बेटा कभी कभी मैं भी सही रहता हूं, ओके 4 i इंटू 1 इज 4 i, और 4 i इंटू i 4 i स्क्वायर, नीचे जो है, वेरी वेरी गुड समर, जो भी चीज समझ में नहीं आई मुझे बताओ बेटा, मैं वहां से स्टार्ट करता हूं, एक काम करता हूं बेटा, मैं बिल्कुल ये सम के स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, सिर्फ मुझे एक सेकेंड दो, मैं ये स्टेप कंप्लीट करता हूं, a प्लस बी ए माइनस बी, क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट, ओके। अब देखो बेटा समर, लेट अस सी कि अपन ने क्या क्या किया है, राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ऐसा था, z इज इक्वल टू i 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस i, अभी इसका डिवीजन करना है बेटा, तो डिवीजन करने के लिए अपन क्या करते बेटा, सबसे पहले तो न्यूमरेटर को अपने को सिंप्लीफाई करना होगा, न्यूमरेटर को अपने को सिंप्लीफाई करना होगा, राइट फ्रेंड्स, तो फिर अपन क्या करेंगे, i को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे,
I into 4 is 4i and I into 3i is 3i square. Okay, और नीचे 1 minus i अपन ने कुछ भी नहीं किया है. तो अब देखो बेटा 4i और i square की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, माइनस 1. इसके लिए अपन ने 3 into माइनस 1 डायरेक्टली माइनस 3 लिख दिया. अगर आप चाहो तो इसको एक स्टेप बढ़ा के ऐसा लिख सकते हो बेटा 4i प्लस 3 i square की वैल्यू माइनस 1 into 1 minus i. अब 3 into minus 1 minus 3 हो जाता है. डायरेक्टली ये स्टेप से मैं ये स्टेप पर आ गया हूं. राइट फ्रेंड्स, ओके. अब बाद में इसको क्या किया बेटा, मैंने इसको मैंने रीअरेंज किया. पहले रियल पार्ट लिखा माइनस 3, बाद में इमेजिनरी पार्ट किया. अपने को पता ना बेटा a प्लस बी इज सेम एज बी प्लस ए. तो अपने आदत के हिसाब से पहले अपन ने रियल पार्ट लिया, बाद में इमेजिनरी पार्ट लिया और नीचे 1 माइनस आई किया. ओके, तो अभी जो जेड था अपना ये था, उसको अपन ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. ये बाहर वाला आय जो है वो क्या हो गया बेटा, निकल चुका है, वो निकल चुका है. अब मुझे बताओ बेटा यहां तक क्लियर है क्या? अगर हां तो फिर अपन आगे जाएंगे, और अगर ना तो मैं वापस पीछे जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है. जस्ट टेल मी ऑल ऑफ यू वेदर इट इज क्लियर. यस यस, ओके फ्रेंड्स. इसी तरह से बेटा बिना शर्माए हुए अपने कमेंट्स करो बेटा. नहीं समझ में आया तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं वापस बता सकता हूं. ओके, अब ये डिवीजन हम लोग कैसे करते बेटा, नेक्स्ट स्टेप में ये डिवीजन अपन कैसे करते हैं. डिवीजन करने के लिए वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर. मतलब देखो बेटा डिनोमिनेटर अपना 1 माइनस आई है, उसका कॉन्जुगेट क्या आता बेटा, 1 प्लस आई. कॉन्जुगेट कैसे निकालते बेटा, कॉन्जुगेट निकालने के लिए अपन इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं. मतलब सपोज अपना कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी आई, तो उसका कॉन्जुगेट z बार, कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट करते हैं अपन, z बार, वो आएगा a माइनस बी आई, a माइनस बी आई. तो देखो बेटा 1 माइनस आई जो है उसका कॉन्जुगेट आता है 1 प्लस आई. वी चेंज द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट ओनली. तो 1 प्लस आई उसको डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको क्या बोलते बेटा अपन, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर जो अपन 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं. राइट, ओके. एंड द लास्ट स्टेप, अभी लास्ट स्टेप में क्या किया बेटा अपन ने, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, अपने को पता है बेटा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है. तो इधर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर. राइट, इन द डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर में क्या आएगा बेटा, हम लोग ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते. कैसे करते बेटा, माइनस 3 इंटू 1 वो आ गया माइनस 3, उसके बाद माइनस 3 इंटू आई वो आ गया माइनस 3i. करेक्ट ना बेटा, ओके. उसके बाद 4i, 4i इंटू 1 इज 4i एंड फाइनली 4i इंटू आई वो आता है 4i स्क्वायर. अब बोलो बेटा इज इट क्लियर ऑल. अगर ये क्लियर है तो अपन नेक्स्ट स्टेप करेंगे बेटा, डरने की बात ही नहीं है कुछ. यस, काना सेज यस, समर्थ ऑल्सो सेज यस, शैलेश यस, वेरी गुड बेटा. तो z इज इक्वल टू, देखो बेटा अभी ये माइनस 3, माइनस 3i प्लस 4i क्या आएगा बेटा, प्लस i. 4 आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस 1. नीचे भी देखो बेटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1. सो व्हाट वी गेट, z इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस i माइनस 4 अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1. सो योर z विल बी माइनस 3 माइनस 4 इज माइनस 7 प्लस i अपॉन 2. ओके ओके, अभी इसको अपन कैसे लिखते बेटा, वी हैव टू राइट दिस इन द फॉर्म a प्लस बी आई. मतलब ये क्या आएगा बेटा, माइनस 7 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 इंटू आई. इधर कुछ नहीं आएगा कोई पेशेंट, मतलब 1 रहेगा. और 2 जो डिनोमिनेटर है अपन ने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया है. ओके,
So this is the final answer which he wants from us. अब इसमें एक चीज और अपने को देखनी पड़ती है बेटा. उसने बोला है you have to find the values of a and b. तो comparing with z is equal to a plus bi. A कितना आएगा बेटा? माइनस 7/2 एंड योर b विल बी प्लस 1/2. दिस कंप्लीट्स दिस प्रॉब्लम. ओके बेटा, जितना टाइम अपन ने लगाया ये प्रॉब्लम करने के लिए बेटा उतना लेंदी नहीं है ये. डरने की बात नहीं है बेटा. यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन इट. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम. आप लोग तो बहुत स्मार्ट लोग हो बेटा. आप फटाफट करोगे मुझे पता है. नाउ विद दिस आवर टुडे सेशन इज ओवर बेटा. इट इज टाइम फॉर से गुड बाय टिल टुमारो. बिफोर वी लीव माय सेम ओल्ड क्वेश्चन. अगर सारी चीजें क्लियर है तो यस बोलो. अदरवाइज अगर कोई डाउट है तो मैं अभी भी क्लियर कर सकता हूं बेटा. वी कैन वेट फॉर टू मोर मिनट्स. अगर सब कुछ क्लियर है. थैंक यू काना. सेम टू यू. एंजॉय योर डे. अगर किसी को कोई डाउट पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा. अदरवाइज जस्ट एंजॉय योर डे. And I hope Samarth will join tomorrow also and he is loving the lectures. Okay Kana, okay Shailesh, okay Samarth and all those who have joined. आपके नाम यहाँ पर सामने नहीं है इसके लिए मैं आपके नाम नहीं ले पा रहा हूँ. Bye friends. Have a very very nice day. Okay, thank you Shailesh. Okay Saman, bye.